वाराणसी की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है यहाँ पे। पतीले का साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा है। तो एक साथ भैया यहाँ पे 15 किलो चाट लगाते हैं। तो ये टमाटर कट गए, ये आ गया धनिया और ये आ गई लाल मिर्च। तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाट बनती हुई। और वो भी चना चाट देख सकते हो, चने इनके स्प्राउट्स वाले हैं। तो ये आ गया आलू, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आलू रखे हुए हैं। भैया ये क्या? ये पेस्ट है, पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आदि लहसुन। तो ये आ गया इनका जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया इसमें। और ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं आलू। ये लग गया। तो ये चाट जो रहती है आलू और इसके चने की चाट रहती है। तो देख सकते हो ये आगे इनके स्प्राउट्स और क्वांटिटी देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है ये। और ये देखो एक साथ डल गए सारे। तो ये चने देख सकते हो, ये चने जा रहे हैं बॉयल होने के लिए। तो ये देख सकते हो दो पतीले चले गए इसमें। ये आ गया तीसरा पतीला, अरे वाह। तो बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ बनते हैं यहाँ पे। तो ये है बनारस के फेमस चने। तो अब इसमें डल गया हरा धनिया और ये मिर्ची, हरी मिर्ची देख सकते हो कटी हुई। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चना चाट बनते हुए, चना आलू चाट। ये आ गया नमक। ये क्या भैया? जीरा, जीरा, ठीक है। ये कौन सा वाला है? सरसों, सरसों का तेल है। तो अब डलने जा रहे हैं नींबू इसमें। तो भैया इतने बड़े पतीले के लिए कितने नींबू डाल देते हो इसमें? इसमें कोई 6 नींबू डाल, 6 नींबू। तो ये आगे इसमें 6 नींबू। तो चना मसाला चाट देख सकते हो बन रहा है यहाँ पे। कितने बढ़िया तरीके से बना रहे भैया, एकदम उछाल उछाल के। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो आपको मैं एक प्लेट का प्राइस बता दूँ इसका। एक प्लेट का प्राइस रहता है 10 रुपये। तो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो बनारस के चना चाट यहाँ पे लग चुका है। हाँ भैया खाएंगे। ये रेडी हो चुका है, हरा धनिया डल गया, दो काम इसको जल्दी से लगवाते हैं। तो बात कर लेते हैं ओनर से। अंकल जी नाम बताइए अपना। श्रवण कुमार। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 30 साल। 30 साल हो गए। तो अंकल जी आपके ये चाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, तो बताइए कैसे बनाते हैं? लोग पसंद करते हैं, खाते हैं, नमक जीरा नींबू डालते हैं इसमें। तो बनारस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये? हाँ फेमस तो है, क्योंकि 10 रुपये में ढेर सारा मिलता है। अच्छा, 10 रुपये का रहता है ये? 10 रुपये का रहता है। बहुत ही बढ़िया। दुकान की टाइमिंग क्या रहती है? दुकान की टाइमिंग वही है, 5 से 10। अच्छा, 5 से 10। हफ्ते में कितने दिन ओपन रहता है ये? एक दिन 24, पूरा 365 दिन। ठीक है, और इसका एड्रेस बता दीजिए एक बार। बताओ, गदौलिया चौक, गदौलिया चौक, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, तो भैया एक चाट मेरे लिए लगा दीजिए। तो चना चाट लग चुकी है यहाँ पे, अब इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे है टेस्ट में। तो वाराणसी का फेमस यहाँ पे चना मसाला चाट लग चुका है। तो देखते हैं क्या क्या डाला उन्होंने। हरा धनिया डाला है, चने डाले हुए हैं, आलू डाला हुआ है, टमाटर डाला है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो चाट काफ़ी चटपटा सा हो रहा है और इन्होंने जो आलू डाले बीच में, चने डाले हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। खट्टा मीठा सा है, चटपटा सा है, बहुत ही बढ़िया है। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, 10 रुपये प्राइस है इसका। तो अगर आप भी इसको टेस्ट करना